मैं अपना गाड़ी इधर से लेके आ रहा था दोस्तों, यहाँ से ये रोड बहुत ख़राब है, यहाँ से लेके आ रहा था और जस्ट यहाँ से क्रॉस करने गया और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मेरे साथ हादसा हुआ कि मेरा टायर फट गया। और सिर्फ मेरा ही नहीं, एक दो गाड़ी को और भी फटा, बाद में मुझे फीडबैक मिला जो पंचर बनाता है। यहाँ पे देखिए ये रोड पूरा उखड़ा हुआ है और गलती से ये जो छड़ है ना यहाँ पे देखिए निकला हुआ है, इसके ऊपर मेरा टायर आ गया, अब पूरा इतना दूर अंदर चला गया, टायर फट गया। सो कभी भी अगर खड्डे वाले रोड पे हो तो मैनहोल्स का ये थोड़ा डेंजरस जगह है, ये थोड़ा देख के, क्योंकि किसी का भी गाड़ी यहाँ पे जा सकता है एंड इज़ वेरी 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 डेंजरस। ये देखो ये जगह पूरा टायर पे चला गया। ये भाई दिखाइए भैया कहाँ गया। हाँ पूरा छड़ अंदर चला गया था। हाँ भैया खूब बढ़िया से दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिए, मेरा टायर ऐसा जगह से फटा है ना, वो भी काम मान के मेरे को ऐसे दिल इतना टूट गया ना, नया टायर है बोला है निकाल तो यार, वेट करे तो आप लोग रात को कल कैसे मिल गए पता नहीं, मतलब किस्मत किस्मत का बात है पता है, कोई बुलाने आता तब भी हम लोग नहीं जल्दी जाते, किस्मत किस्मत का बात है, अल्लाह अचानक से आप लोग मिल गए, नहीं तो मेरा तो जैक भी टेढ़ा हो गया था हमको तो। मशरूम पैच एक बार दिखाइएगा सबको, व्यूअर्स देखना चाहता है क्या बात है, ये एकदम सही है। सो फिर इसे मशरूम पैच बोलते हैं और इसे अब देखिए भैया कैसे लगाते हैं, ये तो जाता। अच्छा ये बड़ा होल हो जाने पे ये लगाया जाता है। सो मेरा टायर जैसे फटा था आप लोगों ने देखा ही था, बड़ा सा छड़ घुस गया था अंदर में और मेरा तो उम्मीद ही टूट गया था। भैया लोग रात को मिल गए थे, बोले कि सुबह लेके आओ मैं बनाता हूँ। सो उन्होंने बोला मशरूम पैच इसमें लग जाएगा, क्योंकि टायर एकदम नया आपको दिख रहा होगा कि इस पर अभी भी एकदम नया टायर, एक साल हुआ ही है, तो इसको देखता हूँ ये लगाने के बाद ये चलेगा। भैया ने 95% गारंटी दी है, चलेगा ना। तो ये पैच बड़ा अजीब है, अच्छा है। तो वो होल में पैच को अंदर से डाला जा रहा है, अभी तक बाहर से डालते थे हम लोग नॉर्मल ट्यूबलेस टायर का जो होता है, ये जो है ये अंदर से गया और भैया इसे बाहर
उसे पूरा बाहर खींच के निकाला गया, पूरा अंदर से डाल के बाहर पूरा खींच के उसके बाद भैया कुछ रोलर से कर रहे हैं, उसको दबा के पूरा पेस्टिंग को एकदम दबा दिया जा रहा है। जब भी कोई होल बड़ा हो जाता है उसमें ऐसा टाइप का मशरूम पैचिंग ही लगता है, क्योंकि नॉर्मल तो वो फिर वहाँ पे जगह बड़ा हो गया तो नॉर्मल पंचर फिट ही नहीं आएगा। अभी इतना बाहर निकला हुआ है, ये देखते भैया क्या करते हैं। कौन सा गाड़ी का ये क्या डाल रहे भैया? ये टायर का बुरादा है, इससे बाहर से भी जाम कर देंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना। अच्छा, बड़ा होल है ना इसलिए। अच्छा, वो टायर जो घिस के निकला वही है ना? अरे वाह, छोटा रहता है तो नहीं डालते, बड़ा होल हो गया, ऊपर से भी कवर करेगा और नीचे से तो कवर हो ही गया है, और उसको सील करने के बाद कट कर देंगे पूरा। वो पूरा रबड़ का ही बना हुआ है ना? कुछ इस तरीके से दिखता है अंदर से, अंदर से भी पूरा पैच हो गया एकदम, और बाहर से भी ये एकदम पूरा सील हो गया। ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा बम्प है, वो चलते 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 थोड़ा ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि टायर एकदम नया है यार, एक साल का टायर है, वो भी घाट खाता नहीं है, तो इसको अभी क्या चेंज करना है।